शांत प्रियं श्रीवत्सांकमुदार कौस्तुभधरं पीतांबरं सुंदरं गोपी नाम नयनोत्पलार्चिततनं गोगोप संघावृतं गोविंदं कलवेणुवादन परं दिव्यांगभूषं भजे श्यामां गुरुचनाभ्यां स्फुरत् सिद्पत्प्रान्तरम्यावगुण्ठां सञ्चावेणीं चिकुरुनिकुरां लम्बपादां किशोरीं तर्जन्यङ्गुष्ठयुक्तां हरिमुखकुहरेऽञ्जतौ नागवल्ली पर्णाकर्णायताक्षीं त्रिजक्तीं मुक्तां क्षीराधिकां माश्रेहम् भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बहुए इनके पद वंदन किए नाशत्व विघ्न अनेक इनके पद वंदन किए नाशत्व विघ्न अनेक इनके पद वंदन किए पावत प्रेम अनेक आवत प्रेम हने बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद महाप्रभु की जय सब वैष्णव वृंद की जय गुरुजन वृंद की जय तुलसी महारानी की जय ग्रंथ रत्न की जय 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 श्री राधे। कल भक्ति के परिचय के रूप में चार प्रकार के भक्त आर्त जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी और भी प्राथमिक परिचय की चर्चा हुई थी। आप सब वैष्णव वृंद की कृपा से ठाकुर ने जो कहलवाया कह दिया, कदापि इस योग्य नहीं हूँ, फिर भी उनके हाथ की कठपुतली हूँ, जैसा नचाएंगे नाचेंगे हम तो नटवर, जैसा हमें नचा ले ब्रजराज ब्रज बिहारी गोपाल वंशी वाले। ये पिताजी की रचना है। भक्ति का कोर्स विषय लिया था, ये कोर्स है श्रद्धा साधु संग भजन क्रिया। तो कल श्रद्धा में शायद प्रवेश भी नहीं किया था। हमारे मित्र अनिल जी का आग्रह था और बात ही कुछ ऐसी चल गई, तो बोले ये श्रद्धा आप बाद में चर्चा करेंगे, पहले हमें आप ये बताओ ये निताई क्या होता है, नित्यानंद प्रभु कौन है, निताई किसको कहते हैं, निताई निमाई नित्यानंद ये क्या है, ये समझाओ। सोच के तो ये बैठा हूं कि 5-10 मिनट में निताई की करुणा का गुणगान करके श्रद्धा की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन मुझे लगता नहीं है मुझे लगता नहीं कि नित्यानंद प्रभु छोड़ेंगे जल्दी मुझे, तो जैसा नचाएंगे वैसा नाचेंगे कोई बात नहीं है। देखिए श्रीमद् भागवत का श्लोक है, श्रीमद् भागवत में सारे अवतार गिनाए ऊपर, अब वो श्लोक तो मेरे को याद नहीं रहता है। अंत में ये कहा एते ये सारे एते च अंश कला पुंसः, ये जितने भी मैंने आपको अवतार गिनाए हैं ये सारे या तो अंश हैं।
को कला कहते हैं। एते च अंश कला पुंसः, ये या तो अंश है या अंश के अंश है, ऊपर सारे अवतार गिनाए हैं। लेकिन कृष्णस्तु भगवान स्वयं, ये बहुत बड़ा भ्रम है भारत में भी, अध्यात्म में भी, कि कृष्ण भी विष्णु जी के अवतार थे, राधे श्याम, बहुत बड़ा भ्रम है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण अवतारी है, कृष्ण अवतार नहीं है। नारायण भी कृष्ण के अंश के अंश है, तीसरे नंबर पर आते हैं। और ये बात कोई ऐसा नहीं कि हम गौड़िया कहते हो या कुछ लोग मानते, शास्त्र श्रीमद् भागवत की बात है। श्लोक है, आप कभी बैठेंगे तो निकाल के पूरा दे दूंगा, इसका पूरा एक मैप बना हुआ है, ब्रह्मा जी की ब्रह्मा जी की स्तुति में, ब्रह्म संहिता में, गोविंदमादि पुरुषम तमहम नमः। तो कृष्ण स्वयं भगवान है, सब सृष्टि का कारण है, ऐसा हम वृंदावन वाले लोग ही नहीं कहते हैं, सब शास्त्र कहते हैं। फिर कृष्ण वहां गोलोक में अनादि काल से परव्यूम में जो स्थित है एक धाम गोलोक, वहां प्रिया जी के साथ राधा रानी उनकी नित्य पत्नी है, यशोदा मैया है, नंद बाबा है, सखा है, नौकर चाकर है, दास है, सब है, जाने कब से, अनादि काल से और अनंत काल तक वहां विराजमान है। अब वहां अनादि काल से कृष्ण को, कृष्ण का बचपन कभी यशोदा ने नहीं देखा कि कृष्ण का वहां जन्म हुआ हो, ऐसा न तो कृष्ण ने स्वयं को देखा घुटरुवन चलते हुए और न यशोदा ने देखा। कब राधा रानी से विवाह हुआ, राधा रानी कब छोटी थी, फिर बड़ी हुई, फिर बड़ी हुई, फिर बड़ी हुई, तो कुछ नहीं, अनादि काल से वो एक पर्दा खुला और ठाकुर ठाकुरानी बैठे, इधर यशोदा करे इधर वो करे, कुछ पता नहीं वहां पर। तो कृष्ण के मन में एक इच्छा उठती है कि भाई ये मैंने पूरी सृष्टि बनाई, इसमें हर जीव जो पहले गर्भ में आता है, फिर पैदा होता है, फिर 2 साल का होता है, फिर 4 साल का होता है, फिर 14 साल का होता है, फिर उसकी शादी होती है, फिर उसके बच्चे होते हैं, फिर बड़े होते हैं, फिर माँ बाप होते हैं। यार ये सब तो हमने देखा नहीं, हमने न तो बचपन देखा, न सखाओं के साथ कुश्ती देखी, न हमने गेंद खेली गोलोक में, गेंद कीड़ा नहीं होती, न हमने कुछ देखा वहां, मोनोटोनस है। तो कृष्ण के मन में इच्छा हुई कि भाई क्यों ना हम भी माँ बाबा के लाडले हों, हम पैदा हों, फिर हमारा नंद महोत्सव मनाया जाए, यशोदा मैया बांटे, नंद बाबा रत्न आभूषण बांटे, फिर हम बड़े हों, फिर हम खेलने जाएं, फिर हम ऊधमबाजी मचाएं, फिर हम गोपियों को छेड़ें, फिर उनका माखन मधुर रस माखन चुराएं, फिर ये करें, फिर वो करें, ये सब होना चाहिए। तो अब हम आप लोग तो क्या है ना कि कुछ सोचा, अब वो हो ना हो, तो हम तो जीव हैं, अभावग्रस्त हैं, लिमिटेड हैं, स्वतंत्रता जरूरी नहीं है। मैं अभी कुछ चाहूं कि ये कृष्णा ग्रीन कॉलोनी मेरी हो जाए तो वो थोड़ी सकती है, नहीं हो सकती। लेकिन कृष्ण है, भगवान है, उनके मन में एक इच्छा हुई कि ऐसा होना चाहिए। इच्छा शक्ति, कृष्ण ने थोड़ी कुछ करना, इच्छा हुई, इच्छा भी एक शक्ति, इच्छा शक्ति योग माया ने सारी योजना बना दी, सारा कुछ करा दिया, उस गोलोक धाम के प्रकाश को यहाँ वृंदावन में जहाँ हम लोग बैठे हैं वृंदावन बना दिया। पहले नंद को भेजा, नंद के पिता परजन में आए, देवमीर आए, फिर धीरे धीरे नंद आए, फिर नंद के बाद यशोदा आए, फिर ये हुआ, फिर वो हुआ, फिर 60 साल हुए, फिर एकादशी का व्रत रखा, फिर लाला का जन्म हुआ। तो गीता में या बाहर देखिए, अधिकारी से बात की जाती है, परित्राणाय साधु नाम, विनाशाय च दुष्कृताम संभवामी, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामी युगे।
लोग हैं ये उनकी बात है कि धर्म संस्थापन के लिए, पापियों को दंड देने के लिए और धर्मात्माओं की रक्षा करने के लिए भगवान आते हैं। अब आप थोड़ी सी कल्पना करिए, जिसकी एक आंख झपकने से सृष्टि हो जाती है, पापियों की रक्षा करने के लिए खुद आता है वो। एक एक इतना बड़ा जिसका नेटवर्क है, ये खुद खुद का क्या काम है उसका? नहीं, वो तो एक चक्र चला दे तो सारे पापी भस्म, एक किसी देव को भेज दे तो सारे धर्मात्मा प्रसन्न, सारी सृष्टि सही, एक चुटकी तब जपाते ही सारा काम होता। खुद आने की क्या जरूरत है? लेकिन खुद आते हैं क्यों? मदभक्तानां विनोदार्थं करोमि विविधा क्रिया। मेरे जो भक्त हैं, मेरे जो अपने हैं, इसके लिए एक एक उदाहरण है, समय अधिक लगेगा लेकिन बीच में संक्षेप में कहूंगा। राजा है बहुत बड़ा, सेना है, सब कुछ है, एक नदी भी है नगर में राजा के, और साल 6 महीने में एक आध कोई बालक डूबता भी है तो वहां तैराक भी रखे हुए हैं, सारे हैं, सारे व्यवस्थाएं हैं। लेकिन एक दिन खबर आई राजा के पास कि महाराज महाराज, आपके जो राजकुमार हैं वो डूब गए, अरे डूब गए, अरे जल्दी। और राजा स्वयं भागे। मदभक्ताना, जो मेरे अपने हैं, जब राजा का लड़का डूबा तो उसने करेंगे तो सब वही काम, लग गए, वही तैराक जाएंगे, वही पनडुब्बी जाएगी, वही सब जाएगी। लेकिन राजा भाग दिया, पहले नहीं भागा था कभी भी, लेकिन क्योंकि वो पुत्र अपना है। ऐसे ही हम भक्त लोग कृष्ण के अपने हैं, तो हमें आनंद देने के लिए वो आते। अंदर की बात ये है, बाहर की बात वो भी ठीक है, गलत तो देखिए कुछ है ही नहीं। ये एक गांठ बांध लीजिए जो मैंने शायद बांध लिया अभी 2-4 साल से, कि गलत तो कुछ है ही नहीं। जो ऐसा सोचते हैं परिप्राणाय साधु नाम, उनको भी प्रणाम है, लेकिन उसकी डेप्थ में जाना पड़ेगा। बहुत से बाह्य कारण ऐसे होते हैं, हमारे डॉक्टर साहब हैं, टायर्ड हैं, बहुत सीनियर पोस्ट से, RKMS में रोज प्रैक्टिस करने जाते हैं। अब आम आदमी तो ये समझता है जैसे और डॉक्टर नौकरी करते हैं, ये भी जाते हैं, लेकिन वास्तविकता ये है कि ये वहां सेवा करने जाते हैं। अंदर की बात ये मुझे पता है, लेकिन पब्लिक यही जानती है। पब्लिक इनसे वैसे ही मरीज ऐसे ही ट्रीट करते हैं जैसे 12 डॉक्टर और बैठे हैं, 13वें ये बैठे हुए हैं, लेकिन अंदर की बात यह है कि ये वैसे डॉक्टर नहीं है। ये अपने जीवन को सफल करने के लिए वहां मरीजों की सेवा करने निःशुल्क जाते हैं और 1,000, 2,000, 5,000 का पेट्रोल बुक के आते। मैंने ये अंदर की बात है। ऐसे ही भगवान, अब एक मनुष्य की अंदर की बात और बाहर की बात में अंतर आ गया तो भगवान की भी तो अंदर की बात है। तो भगवान यहाँ ब्रज में आते, यहाँ पर आके जन्म को होता है, सखाओं से पीड़ा होती है, सब वो कृष्ण की लीलाएं होती हैं, माधुर्य का भी, प्रिया जी से, गोपियों से छेड़छाड़, सब जो जो सारी उन्होंने सृष्टि में विधाएं दी थी उन सबका आनंद उठा लेते, उठाते हैं और फिर उस लीला को लोप कर लेते हैं। लेकिन होता क्या है कि जैसे वहां अभाव हुआ कि हम बच्चे नहीं बने, हमने गेंद नहीं खेली, हमने गोपियों को नहीं छेड़ा, हम नंद बाबा का, यशोदा माँ का हमने स्तनपान नहीं किया, सब कर लिया, सारा कुछ हो गया यहाँ पर, कर लिया उन्होंने, लेकिन फिर भी प्रिया जी से भी प्रेम कर लिया, पत्नी रूप में तो वहां रहते ही हैं, लेकिन उनका वहां पत्नी नहीं, यहाँ प्रेमिका रूप में चाहिए हमें। प्रेमिका का भी क्या अनुभव होता है वो भी देख ले। तो बोले चलो प्रेमिका रूप में प्रिया जी को प्रेमिका बना दिया, इसलिए हम लोग जो हैं वो राधा कृष्ण नहीं बोलते, हम प्रिया प्रियतम बोलते हैं, प्रिया प्रियतम, वो प्रिया है वो प्रियतम है, प्रेम का संबंध है दोनों, प्रेम के खिलौना दो। यहां भी कुछ इच्छाएं कृष्ण की अधूरी रह गई। अधूरी रहने का अर्थ ये मत समझिए कि उस पूर्ण ब्रह्म में अधूरापन कैसा, नहीं, इच्छा कर सकता है, इच्छा कर सकता है और उसको पूर्ण भी करता है तो अधूरा थोड़ी है। इच्छा करना कोई पूर्णता की निशानी नहीं है, इच्छा करना पूर्णता की निशानी है। हाँ, इच्छा करके अपूर्ण रह जाए तो अपूर्णता की निशानी है। इच्छा करी, अब इच्छाएं क्या रह गई? बोले इच्छा एक तो ये रह गई कि जैसे जब मैं प्रिया जी से बात करता हूँ, प्रिया जी से मिलता हूँ, मैं यहाँ थोड़ा मोटा मोटा ही कहूंगा, सूक्ष्म नहीं जाऊंगा,